अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन चिटकारा की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला डालने से अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून अजवाइन डालेंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 रेड फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून विनेगर, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम 1/2 आवर के लिए कवर करके रख देंगे। तेल अभी अच्छे से गर्म हो गया है, अब एक एक करके हम चिकन के सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पे ही आप इसको फ्राई करें। ये बहुत ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी बनते हैं, आप इसको एज ए स्नैक्स इफ्तार में बनाएं। इतना अच्छा सा कलर आ गया है, अब इनकी साइड चेंज करेंगे हम। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। सारे चिकन के पीसेस को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये, अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, चिकन चटकारा रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए केचप के साथ या हरी चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।